गोरक्ष बेटा। हाँ हे सिंह श्रोमणी, हे वन स्वामी श्रेष्ठ, हे शक्तिशाली गोरक्षनाथ का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारे सभी शिष्य मेरे से भयभीत होकर भाग गए, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? आपसे भय? कदापि नहीं। संसार का कोई भी भय साधु को भयभीत नहीं कर सकता। हमें तो चिंता और भय सिर्फ इस बात की है, कहीं शिष्य के किसी कर्म, किसी शब्द, किसी व्यवहार से गुरुजी के मन को ठेस ना लग जाए। ठेस लगने की बात करते हो, तुम्हें खबर है कि तुम्हारा गुरुजी किस हाल में है? मुझे अपने गुरुजी की पल पल की खबर है। हाँ, आजकल वो मुझको लेकर कुछ चिंतित से रहते हैं। गुरु तो तुम्हारे लिए चिंतित है, लेकिन तुम यहाँ मजे में। किसी को क्या दुख है, कितना दुख है और कैसा दुख है, ये उसके चेहरे से तो नजर नहीं आता ना। सन्यासी होकर भी दुखी हो तुम। हे श्रोमणी, दुख की कोई शिथिल परिभाषा नहीं होती। कई बार दुख भी दुख नहीं होता और कई बार सुख भी दुख लगता है और कई बार सुख भी सुख नहीं लगता। जब बरसात होती है तो किसान खुश होता है और उसी बरसात को देखकर कुम्हार दुखी होता है। सर्दी में गर्मी की कामना होती है, क्योंकि सर्दी में सर्दी दुख होता है। गर्मी में ठंडी की कामना होती है, क्योंकि गर्मी में गर्मी दुख है। तो गर्मी दुख है या सर्दी दुख है, ये तो महसूस करने की बातें हैं। बातें तो तुम बड़ी अच्छी अच्छी कर लेते हो। ये सब मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी के आशीर्वाद पे इतना ही भरोसा है तो मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दोगे? कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का संतोषजनक जवाब दे पाऊं। सवाल भी तुम्हारे हैं और जवाब भी तुम्हारे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। जो प्रश्न तुमने अपने शिष्य ओघरनाथ से पूछे थे, उन्हीं का जवाब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो तो मैंने वैसे ही अपने शिष्य के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कहे थे। पहला प्रश्न तुमने कहा था कि भिक्षा लानी है, ना कवारी से, ना परनी से, ना हाथ से डाली हुई। हे मेरे पूजनीय, मैंने अपने शिष्य को ज्ञान रूपी भिक्षा लाने के लिए कहा था। मेरा मतलब यह था कि ज्ञान कोष से शिक्षा की ऐसी भिक्षा लानी है जो ना कवारी से, ना ही परनी से और ना ही हाथ की डाली हुई। कवारी का मतलब ना किसी मूर्ख से, परनी का मतलब ना किसी ज्ञानी से। और समझ, ज्ञान, शिक्षा की भिक्षा हाथों से तो डल ही नहीं सकती। मान लेते हैं। दूसरा प्रश्न, जल भर के लाना है, ना नदी का हो, ना नाले का हो, ना हाथ से ही सींचा हुआ हो। हे ब्रह्मज्ञानी,
मेरा कहने का उद्देश्य यह था कि कोई भी ऐसा दुखिया प्राणी जिसके दुख का हम निवारण कर सकें, यानी किसी दुखिया प्राणी की आंखों से बहता हुआ नीर जो किसी दुख के कारण रो रहा हो, वह जल ना तो नदी का है, ना ही किसी नाले का, और ना ही हाथ से सींचा हुआ है। कुछ थोड़ा सा संतोषजनक तीसरा प्रश्न, लकड़ी लानी है, ना गीली हो ना सूखी हो ना हाथ से काटी हुई ही हो। हे परम पूजनीय, ये तो एक छोटी सी पहेली थी। ये जो हमारी उंगली का बड़ा हुआ नाखून होता है, ये ना तो गीला ही होता है ना सूखा ही होता है, और जब तक हम इसे ना काटें तब तक ये बिना हाथ से काटी हुई लकड़ी ही तो है। समझ गया गोरख, समझ गया। तुम्हारा हर वचन, हर शब्द, हर कर्म संसार के हित के लिए ही होता है।